एक बार फिर से हमने देखा कि चुनाव में मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा। तो सभी राजनीतिक दलों को देखना चाहिए कि एक लोकतंत्र के प्रति ये उदासीनता क्यों है। एनडीए की तरफ से जो मुद्दे हैं, सडन बिल्कुल अबाउट टर्न जो हुआ है मुद्दों का, मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा मायूस कर रहा है। दूसरे फेज की वोटिंग हुई है, लेकिन आते आते सातवें चरण तक वो बम्पर लोगों के बीच में जो उत्साह है वो दिखाई देगा। मोदी को हराने के लिए जिसको हम कॉम्पिटेंट समझते हैं वो भी निराश हो गया है कि अब की वो भाई बहुत जो 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 नई अर्थमेटिक्स है राजनीति की उसमें जो है मोदी को हरा पाना बहुत मुश्किल काम है। के हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या कैंडिडेट्स को के सिलेक्शन के कारण जो जो स्थानीय मतदाता है कैंडिडेट्स के सिलेक्शन से उनके अपने पार्टियों के कार्यकर्ता वहां समस्या पैदा हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर मैं ये स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि मतदान बहुत ज्यादा गिर गया है। तो न पक्ष के प्रति उत्साह न विपक्ष। मैं उदाहरण बताऊं, नोएडा में मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं जो कई दो तीन परिवार ऐसे हैं जो प्रो बीजेपी समर्थक थे वो वोट डालने नहीं गए, और कई कुछ परिवार ऐसे भी थे जो एंटी बीजेपी थे वो भी वोट डालने नहीं गए। मुझे लगता है कि एक तरह की मिस्ट्री है बनी हुई अभी कि आखिर क्या है, हम कारण ढूंढ रहे हैं। चुनाव आयोग कोई व्यवस्था कर सके तो इस मतदान प्रतिशत में इजाफा हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग अपने मूल शहरों से दूर नौकरी करते हैं, वोट वहीं पर रजिस्टर्ड है।